पहले तो ये कि 240 पर क्यों अटक गई गाड़ी, 400 पार क्यों नहीं हो गई? किसके बारे में? तो आप जगत प्रकाश नड्डा जी से पूछिए। मेरी इच्छा ये थी कि हम तो 500 पार कर जाए। फिर आपकी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई? अब भगवान हर इच्छा थोड़ा ना पूरी कर। लोग कहते हैं बीजेपी अहंकारी हो गई, क्या लगता है आपको कि अहंकार आ गया? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को प्रधान सेवक कहा हमेशा, हम सब ने अपने आप को मोदी का परिवार कहा, कोई अहंकार कारण नहीं है। अब समीक्षा बीजेपी करेगी अपने लेवल पे, जो लोग समीक्षा करेंगे उनमें मैं शामिल नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकती क्या एनालिसिस करेंगे। बाकी मध्य प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है, आपको लगता है कि वो ठीक काम कर रही है? बहुत अच्छा। पहली बात तो है कि मोहन यादव को देखो, पहली बार हुआ है जब से मध्य प्रदेश बना है कि हम पूरी सीटें जीते। इसके पहले मेरे समय पे हम सबसे ज़्यादा जीते थे 29 में से 25, फिर जीते हम 29 में से 27, फिर हम जीते 29 में से 28, और अंत में हम पूरी की पूरी जीत गए। तो मोहन तो प्रगति की ओर ले गए। हाँ, और वो बहुत ही सरल और विनम्र व्यक्ति हैं। दीदी, उत्तर प्रदेश में हार की क्या वजह मानती हैं? यूपी में सीटें कम हो गई। इसमें बीजेपी निश्चित रूप से सीटें कम हुई हैं, और इसमें बीजेपी अपने लेवल पर समीक्षा करेगी, मुझे अपना जो इनपुट देना होगा। लेकिन मैं अच्छा रहा आपने ये सवाल कर लिया, आप NDTV की रिपोर्ट, मुझे बहुत ज़रूरी ये बात कहनी है। आपको हिंदू समाज का मन समझना पड़ेगा। हिंदू समाज ना समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को एक नहीं करता, ये इस्लामिक समाज है जो धर्म और समाज की व्यवस्था को एक करके चलता है, इसलिए वोट वो सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप देंगे। लेकिन इससे उनकी राम भक्ति कम हो गई या वो राम के भक्त नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अयोध्या को लेकर वो राम के भक्त हैं, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं देना चाहते थे। हर राम भक्त बीजेपी को वोट देगा, ऐसा अहंकार हमको नहीं पालना चाहिए। और जो हमको वोट नहीं देता वो राम भक्त नहीं है, ये शंका भी हमें नहीं करनी चाहिए। यही बात है, उनकी समाज व्यवस्था अलग है, वहाँ कहीं कोई अनदेखी हो गई है जिसका ये परिणाम है, और कुछ नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में अब जो कुछ भी तस्वीर सामने आई भाजपा के, उसके बाद क्या मथुरा का मामला धूल पकड़ेगा? जब हम 6 दिसंबर के बाद हार गए हैं उत्तर प्रदेश, आप लोग भूल रहे हो, फालतू में मोदी और योगी को ब्लेम कर रहे हो आप। 6 दिसंबर का ढांचा गिरने के बाद जब सरकार गिरा दी गई और सरकार बनी, तो हमारी कहाँ बनी? हम तो हार गए थे ना वहाँ पर, लेकिन हमने अयोध्या को अपने एजेंडे से बाहर नहीं किया था। हमारे हर चुनाव में अयोध्या रही, हमने अयोध्या को वोट से नहीं जोड़ा। तो मथुरा और काशी भी वोट से नहीं जुड़े हैं, हमारे हृदय से जुड़े होंगे। आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे कि जो परिस्थितियाँ अब केंद्र में बनी है नई, कि उसमें कहीं ना कहीं अलायंस को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन सामने आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों हमारे पहले भी साथ ही रहे हैं। नीतीश तो हमेशा से ही हमारे साथ ही रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू पिछले समय पर भी हमारे साथ ही थे, अटल जी के समय पर भी हमारे साथ ही थे। तो ये हमारे लिए फॉरेन एलिमेंट नहीं है, विजातीय तत्व नहीं है। हम तो पहले भी मिलके काम किए हैं, साथ में काम किए हैं, सहमति से काम किए हैं, ये हमारे पुराने लोग हैं, चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर।